यदि तुमने या तुम्हारे परिवार ने भैरवनाथ की इच्छाओं को परिपूर्ण नहीं किया तो वो कदाचित तुम्हें अपनी तंत्र विद्या से भस्म कर देगा। तुझे अपना मस्तक कहीं दिखाई देगा भी नहीं बादल सिंह, क्योंकि तूने हमारा कार्य पूर्ण नहीं किया है। ना जाने इस मायावी जंगल में कितने और राक्षस घूम रहे हैं जो मनुष्यों का भक्षण करते हैं। सावित्री, राजकुमारी चंद्रमुखी की ओर वो अपने नेत्र उठाने का साहस कर सकता है उस सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात। तुम दोनों का संकट देखकर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम तुम्हें क्या परामर्श दें। यदि तुम हमारा परामर्श मानो तो तुम दोनों अपने सरकार से क्षमा मांग लो। तो पिताजी क्या हुए? गधे। और हम जब मूर्ख नहीं हुए तो हम क्या हुए? गधे के बच्चे। अभी कुछ देर पहले जो तुमने गुप्त योजना बनाई थी उसके बारे में सारा महल जान गया। महल की दीवारों को भी पता ना चले कि हम तुमसे मिले थे। नहीं चले, आप निश्चिंत रहिए। तो भी परिपराग्नी हो? हाँ युवराज, ये मेरा अलग रूप है। मुझे अलग अलग रूप लेना बहुत पसंद है। कहो कैसे याद किया तुमने? हम विजेंद्र प्रताप को खोजते खोजते थक चुके हैं परिपराग्नी। चारों दिशाओं के चक्कर काटने के पश्चात भी वो हमें मिल नहीं सके। चारों ओर निराशा के बादल ही दिखाई दे रहे हैं। क्या विजेंद्र प्रताप सिंह इस मायावी जंगल से मुक्त हो चुके? नहीं युवराज, रूपनगर के इस मायावी जंगल में एक बार जो आ गया वो कभी लौट कर नहीं जा सकता। तुम्हारे भाई भी इसी जंगल के भूल भुलैये में कहीं गुम हो गया, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दिया। इतने समय से हम उनको खोजते फिर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं तो हमारा मिलन होना ही चाहिए ना परिपराग्नी। कैसे मिलन हो सकता था युवराज? जब भी तुम दोनों भाइयों की मिलन की घड़ी आई तो यहाँ की मायावी शक्तियों ने
तुम्हारा पति बदल दिया। पथ बदल दिया? ये कैसे संभव हो सकता है परिपराग्नि? मायावी शक्तियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है युवराज। अगर वो चाहे तो पलक झपकते ही किसी मनुष्य को अदृश्य भी कर सकती है। इसलिए अधिक सोचकर अपने आप को अधिक परेशान मत करो। विजेंद्र प्रताप सिंह इसी जंगल में है। यदि विजेंद्र प्रताप सिंह इस मायावी जंगल में अभी भी भटक रहे तो वो किस अवस्था में है? क्या आप हमारी सहायता कर सकती है परिपराग्नि? अवश्य करूंगी युवराज। सच्चे और निडर मनुष्यों की सहायता करना ही मेरा लक्ष्य है। तुम्हारे भाई का अति शीघ्र पता लगाकर मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम निश्चिंत रहो। तुमसे मिलने के पश्चात आशा की किरण फिर से दिखाई देने लगी है परिपराग्नि। क्या तुम हमें विजेंद्र प्रताप सिंह से मिलवा सकती? नहीं युवराज, मैं तुम्हें विजेंद्र प्रताप सिंह से नहीं मिलवा सकती, क्योंकि इस जंगल में कोई किसी को आपस में नहीं मिला सकता और ना ही इस जंगल के बाहर ले जा सकता है। बरसों से इस मायावी जंगल का यही नियम है, जिसे संसार की कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती? क्या जीवन भर हम यही भटकते रहेंगे? यदि विजेंद्र प्रताप हमें मिल भी गए तो क्या हम इस मायावी जंगल को छोड़ नहीं पाएंगे? मैं ये नहीं बता सकती। मैं परीलोक से हूँ, इसलिए पृथ्वी पर होने वाली सारी मायावी शक्तियों का रहस्य मुझे नहीं मालूम। किंतु इसी दिशा से रूपनगर की ओर बढ़ते जाओ। विजेंद्र प्रताप सिंह तुम्हें इसी दिशा में मिलेंगे। यदि भाग्य की देवी तुम पर प्रसन्न हो गई तो हो सकता है इसी रास्ते पे तुम दोनों भाइयों का मिलन हो जाए। अब मैं चलती हूँ। अब देखते हैं परिपराग्नि के बताए पथ पर किस मायावी शक्ति के दर्शन होते हैं। अब सही वक्त आया है मेनका। तत्काल इस बात की सूचना परमवीर सिंह जी और महाबली लोहा सिंह तक पहुंचा देनी चाहिए। मेनका, तुम्हारे मुख पर यह विजय की मुस्कान देखकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम कोई महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हो। बताओ बताओ हमें वो महत्वपूर्ण सूचना क्या है? हमारी उत्सुकता बढ़ती चली जा रही है। सूचना ये है हुजूर कि मेरी दृष्टि ने एक युवराज को देख लिया है। कहाँ है वो युवराज? हमारी भुजाओं से जकड़ के मारने के लिए फड़फड़ा रही हैं। नहीं लोहा सिंह, नहीं, हमें किसी भी युवराज को तब तक नहीं मृत्यु दंड देना है जब तक वो हमारे चुंगल से निकलने का प्रयत्न ना करे। यदि हमने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया तो उन्हें तड़पा तड़पा कर पीड़ा पहुंचाने का सुख हमसे छिन जाएगा। उन्हें मृत्यु दंड तब मिलेगा जब भाई रणवीर सिंह उन्हें अपने कारागार में डालकर इतना तड़पाएंगे कि वो अपने घुटनों के बल गिरकर हमसे मृत्यु की भिक्षा मांगेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुजूर। जिन युवराजों ने हमारे मंत्री वर को इतनी पीड़ा पहुंचाई है उन युवराजों को इतनी आसान मृत्यु देना मूर्खता होगी। जैसे वो हमारे बंधक बनेंगे उसी समय से उनका अन्न और जल बंद कर देना चाहिए ताकि कोड़ों की चोट के साथ साथ उन्हें भूख और प्यास से बेहाल होने का दर्द भी मिलता रहेगा। तुमने हमारे मन की बात जान ली है मेनका, किंतु अब समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं होगा। शीघ्र बताओ तुमने जिस युवराज को देखा है वो कौन था? हमारे कारागार से जो विजेंद्र प्रताप सिंह भागा है
वो उसका भाई सूर्य प्रताप है। सूर्य प्रताप? बेचारा वो विजेंद्र प्रताप सिंह को हमारे चंगुल से छुड़ाने के लिए आया था, लेकिन अब वो ये नहीं जानता कि विजेंद्र प्रताप सिंह के साथ साथ वो भी हमारा बंधक बनने वाला है, क्योंकि इस जंगल में उसे लोहा सिंह से कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। सूर्य प्रताप की एक परी परागनी सहायता कर रही है, मैंने दूर से देखा था, वो उसे जंगल की कठिनाइयों और संकटों के बारे में बता रही थी। परी परागनी? अब ये परी परागनी कौन है? हमने आज से पूर्व तो उसके बारे में कभी नहीं सुना था। मैंने भी पहले उसे कभी नहीं देखा है, किंतु वो सूर्य प्रताप को पथ भी बता रही थी और आगे जाकर उसकी सहायता भी करेगी, ऐसा कहते हुए मैंने उसे साफ साफ सुना है। हमारे शत्रु की सहायता करने वाला हमारा शत्रु हो जाता है। हम उस परी परागनी के पर काट देंगे ताकि वो कभी अपने लोक वापस ना जा सके, और सदैव सदैव के लिए उसे अपना बंधक बना देंगे। इससे पहले हमें सूर्य प्रताप सिंह को पकड़ना होगा, जिसे अभी भी मेनका ने देखा था। परी परागनी को हम बाद में देख लेंगे, हमारे पास समय कम है, हमें तत्काल सूर्य प्रताप सिंह को बंधक बनाना है। शीघ्र बताओ मेनका, तुमने जंगल में सूर्य प्रताप सिंह को कहाँ देखा था? जंगल में किस दिशा में जा रहा है वो? वो अभी पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। वो देखो लोहा सिंह, दूर कोई युवराज चला जा रहा है। यदि वो वही युवराज सूर्य प्रताप सिंह है हुजूर, तो तत्काल ही इसे दबोच करके बंधक बना लेते हैं। ठहरो, ये युवराज सूर्य प्रताप सिंह नहीं अपितु कोई और है। अपितु कोई और है? ध्यान से देखो मेनका, कहीं तुम्हारी दृष्टि धोखा तो नहीं खा रही है। मेनका एक मायावी शक्ति है हुजूर, और मायावी शक्ति साधारण मनुष्य से बहुत तेज होती है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये युवराज सूर्य प्रताप सिंह नहीं कोई और है। यदि तुम सत्य कह रही हो मेनका कि ये वो युवराज सूर्य प्रताप नहीं है, तो फिर कौन है ये जो रूपनगर का प्रभावित होकर के इन मायावी जंगलों में भटक रहा है? बोलो। पता नहीं, किंतु इतना अवश्य बता सकती हूँ कि थोड़ी देर के पश्चात ये हमारा बंधक होगा। तुमने हमारे मन की बात जान ली है मेनका। हमने हमारे भाई जी को वचन दिया था कि हम दो युवराजों को पकड़ कर लाएंगे, किंतु अब दो नहीं अपितु तीन युवराजों को हमारे भाई जी को भेंट करेंगे। एक साथ तीन तीन युवराज को उपहार में प्राप्त करके मंत्रीवर खुशी से फूले नहीं समाएंगे। भाग्य भी हमारा साथ दे रहा है। इस युवराज को पकड़ने के लिए कोई योजना बनानी होगी हुजूर। योजना बन चुकी है लोहा सिंह। हमारी मायावी शक्ति मेनका जाकर उस युवराज से मीठी मीठी बातें करेंगी, उसका परिचय प्राप्त करके उसे यहाँ आने का लक्ष्य पूछेगी। उसके पश्चात हम वहां जाकर उसके भाग्य का निर्णय लेंगे। जाओ मेनका, जाकर उस युवराज को अपना मायावी रूप दिखा दो और उसे इतना विवश कर दो कि वह स्वयं ही हमारा बंधक बन जाए। आपके आदेश का पालन होगा हुजूर। अब इस युवराज को मायावी मेनका के जाल में फंसने से देवता भी नहीं बचा सकते।
दूर दूर तक मानव की छाया भी दिखाई नहीं दे रही जिसे रूपनगर का पद पूछा जा सके। पता नहीं कहां गया हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो युवती कौन है? ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, लगता है मैं रूपनगर के निकट आ गया हूं। युवती, ओ युवती, नव युवती, तुम कौन हो? मैं इस जंगल की वनवासिनी हूँ, आप कौन है पथिक? मैं वनराज हूँ। चंद्रमुखी के राज्य की ओर निकला था मगर पथ भटक गया हूँ। क्या तुम मुझे चंद्रमुखी के राज्य का पथ बता सकती हो? चंद्रमुखी के राज्य का पथ? किंतु आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? क्या आप नहीं जानते वहाँ आज तक कोई भी मनुष्य नहीं पहुँच पाया है? जानता हूँ, मगर मैं वहाँ अवश्य पहुँचूंगा, ये मेरा भरोसा है। क्या तुम मुझे वहाँ जाने का मार्ग बता सकती हो? मार्ग तो मैं बता दूंगी, किंतु आप इतने कठिन मार्ग को पार करके रूपनगर कैसे पहुँच पाएंगे? क्या आपको अपने प्राणों का थोड़ा भी भय नहीं है? भय होता तो ये कठिन मार्ग नहीं पकड़ता, मुझे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। कृपया शीघ्र से शीघ्र मुझे वहाँ जाने का पथ बता दीजिए। बताती हूँ पथिक, किंतु आप भी सैकड़ों युवराजों की तरह चंद्रमुखी को पाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डालने जा रहे हैं। मुझे केवल इतना बता दीजिए, फिर मैं आपकी सहायता करूंगी। मैं चंद्रमुखी को नहीं, चंद्रमुखी के इस फूल को पाने के लिए आया हूं, जो इस राज्य के सिवाय और कहीं नहीं खिलता। उस फूल से मेरे पिताश्री की दृष्टि वापस लौट सकती है और यही मेरा लक्ष्य है। आपका लक्ष्य कठिन ही नहीं, असंभव भी है। सुना है राजकुमारी चंद्रमुखी अपने उस मायावी फूल को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती है, और उस फूल को उसने कहां छुपा के रखा है वो आज तक कोई भी नहीं जान पाया है सिवाय चंद्रमुखी के। फिर आप उस फूल को कैसे प्राप्त करेंगे? मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर वो फूल खिला है तो सिर्फ मेरे पिताश्री की दृष्टि लौटाने के लिए ही खिला है। अगर तुमने शीघ्र पत्र नहीं बताया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ए युवती, कौन हो तुम? कहां से आई हो और कहां जा रही हो? शीघ्र बताओ। हुजूर, मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ, किंतु ये पथिक मुझसे चंद्रमुखी के राज्य का पथ पूछ रहे थे, इसलिए मैं यहीं रुक गई। और तुम कौन हो? मैं अलकापुरी नरेश का पुत्र वनराज हूँ, रूपनगर जाना चाहता हूँ। आप कौन हैं? युवराज, यही समझ लीजिए कि हम आपके शुभचिंतक हैं। शुभचिंतक? हाँ, शुभचिंतक। हम राजकुमारी चंद्रमुखी के सेवक हैं और उनकी आज्ञा अनुसार भटके हुए युवराजों को सही मार्ग दिखा करके हम उनके लक्ष्य तक पहुंचाना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। मेरी तपस्या सफल हो गई, मैं बहुत समय से इस मायावी जंगल में भटक रहा था, किंतु आज मुझे सही मार्ग मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं, पथ मिल गया है युवराज। ये तो अच्छा हुआ कि हम दोनों ठीक समय पर आ गए, अन्यथा रूपनगर की मायावी शक्तियां तुम्हें समाप्त कर देती। चलो हमारे साथ चलो, तुम थके हुए लग रहे हो, रूपनगर का पथ अब अधिक दूर नहीं है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। चंद्रमुखी के फूल को पाने के पश्चात मैं आपके उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा। विलंब मत कीजिए युवराज, सांझ ढलने वाली है और संध्या होते ही रूपनगर जाने वाले सारे के सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए जाते हैं। इसे तत्काल अपने अश्व बैठिए और हमारे साथ चलिए। चलिए, आइए आइए।
या क्या कह रही है राजकुमारी जी? आपकी बातें सुनने के पश्चात मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। इससे पूर्व की रूपनगर पर कोई संकट आए, हमें महाराज को तुरंत सूचित कर देना चाहिए। नहीं अभिमन्यु, महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, हम उन्हें ऐसी कोई सूचना नहीं दे सकते जिसे सुनने के पश्चात उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़े। किंतु देर हो गई तो रणवीर सिंह को भरपूर अवसर मिल जाएगा और वो हमारे अतिथि युवराज को बंधक बना लेगा अथवा उनके प्राण ले लेगा। यदि ऐसा हो गया तो बाहर की दुनिया का कोई भी युवराज रूपनगर की ओर आने का साहस नहीं करेगा। तुम ठीक कह रहे हो अभिमन्यु। सुना है संसार के सारे राजा महाराजा और युवराजों को पता चल गया है कि रूपनगर के पथ में जो एक बार आता है वो वापस लौटकर अपने राज्य कभी नहीं जा पाता। पता नहीं हमारे ये सुंदर राज्य को किसकी नजर लग गई। हमारे सुंदर राज्य को महल में रहने वाले उन्हीं शत्रुओं की नजर लग गई है जिन्हें महाराज ने विश्वास करके ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाया है। रणबीर सिंह, राजवीर सिंह, वीरेन सिंह और नागराज की तरह और भी कई बड़े अधिकारी हैं जो महल की दीवारों को दीमक की तरह चाट चाट कर कमजोर कर रहे हैं। यदि उन पर शीघ्र अंकुश नहीं लगाया तो ये राक्षस रूपनगर को उजाड़ देंगे। ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। अभी हमने महल के शत्रुओं को थोड़ी ढील दे रखी है ताकि उन्हें सतर्क होने का अवसर ना मिल पाए, किंतु उनकी हर गतिविधियों पर हमारी दृष्टि है। हमें उस जंगल पर भी दृष्टि रखनी है जहाँ बाहर से आई युवराजों पर रणबीर सिंह की सेना घात लगाकर बैठी है। तुम तत्काल हमारे विश्वास पात्र सैनिकों को जंगल भेजने के आदेश दे दो ताकि दोनों युवराजों की रक्षा की जा सके। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपने युद्ध का आदेश दे दिया है? नहीं अभिमन्यु, हमने युद्ध का आदेश नहीं दिया है अपितु बचाव का पथ चुना है। हमारे सैनिक दूर से उन पर दृष्टि रखेंगे। यदि बाहरी राज्य के युवराज रणबीर सिंह के सैनिकों पर भारी पड़ गए तो हमारे सैनिकों को तलवार उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किंतु यदि रणबीर सिंह के सैनिकों ने उन्हें मारने का या बंदी बनाने का प्रयत्न किया तो हमारे सैनिक रणबीर सिंह के सैनिकों पर भारी पड़ जाएंगे। आपकी रणनीति अति उत्तम है राजकुमारी जी। आपकी रणनीति ऐसी है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। किंतु याद रहे अभिमन्यु, किसी भी परिस्थिति में परमवीर सिंह और लोहा सिंह मिलकर विजेंद्र प्रताप सिंह और उनके भाई सूर्य प्रताप सिंह को कोई हानि ना पहुंचा सके। ये राजकुमारी चंद्रमुखी का आदेश है। क्या हुआ, हम लोग रुक क्यों गए? आगे जाना अब संभव नहीं है, हमें यहीं कहीं पर डेरा डालना होगा। क्यों? अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ, हम कुछ दूर और आगे जा सकते हैं। नहीं युवराज, हम इस जंगल के चप्पे चप्पे को जानते हैं। जैसे ही अंधेरा हो जाएगा सैकड़ों हिंसक पशु आकर हम पर आक्रमण कर सकते हैं, और वैसे भी आज अमावस की रात है। अमावस की रात? हाँ युवराज, आज अमावस की रात है। कुछ ही देर बाद अंधेरा इतना घना हो जाएगा कि पथ दिखना तो दूर, हाथ को हाथ नहीं दिखाई देगा। इतने घने अंधेरे में आगे बढ़ने का अर्थ है कि संकट को न्योता देना। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम यहीं डेरा डालें और विश्राम करें, और सुबह की पहली किरण फूटते ही हम नए युवराज के साथ रूपनगर की ओर प्रस्थान करें। किसी में हम सबकी भलाई है। क्यों युवराज, आज रात यहीं डेरा डाल के रुक लिया जाए? आज रात विश्राम करके कल सुबह की पहली किरण फूटते ही हम यहाँ से रूपनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। आप जैसा उचित समझे वैसे ही करें, और वैसे भी मैं इस जंगल के बारे में इतना नहीं जानता जितना आप लोग जानते हैं।
मुझे तो केवल इतनी ही प्रसन्नता है कि आप मेरा जंगल में भटकना बंद हो गया है। अगर आप लोग नहीं मिलते तो पता नहीं कब तक मैं इस मायावी जंगल में भटकता रहता। हमारा कार्य ही भटके हुए पथिक को सही राह दिखाना है युवराज। जैसे ही राजकुमारी चंद्रमुखी आपको सुरक्षित देखेंगी, पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवाएंगी और एक नए अतिथि के आने की खुशी में अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बस सुबह होने की प्रतीक्षा कीजिए, आप सुकुशल रूपनगर की सीमाओं के भीतर होंगे। मैं आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपको जैसे उचित लगे आप वैसे ही कीजिए, मैं केवल आपके साथ साथ चलूंगा। यदि आपके इतने ऊंचे विचार हैं, तो समझिए अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। लोहा सिंह, हमारे अतिथि के ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए। और हाँ, ध्यान रहे इन्हें कोई कष्ट ना हो। आप चिंता मत कीजिए हुजूर, युवराज के संपूर्ण विश्राम और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। सैनिकों यहीं पर डेरा डाल दो और युवराज और हमारे ठहरने की उचित व्यवस्था करो। उफ वनराज, तुम्हारी ये दुख भरी कहानी सुनने के पश्चात हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमुखी का वो अनोखा फूल तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यदि तुम्हें उस फूल की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें रणवीर सिंह का सहारा लेना होगा। रणवीर सिंह? हाँ, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह चंद्रमुखी के सबसे विश्वास पात्र मंत्री हैं। वो यदि चाहें तो बड़ी आसानी से उस फूल को प्राप्त करके तुम्हें दे सकते हैं, अन्यथा उस फूल को प्राप्त करना तो दूर, उसे देखना भी असंभव है। कल सवेरे हम जैसे ही रूपनगर पहुंचेंगे, हम तुम्हें रणवीर सिंह से मिलवा देंगे। रणवीर सिंह वही है जिसके लिए दुर्गेश्वरी कह रही है। वो युवराजों को बंधक बना लेता है। ये लोग मुझे छल कपट करके रणवीर के हाथों बंधक बनाना चाहते हैं। इनसे सतर्क रहना होगा। युवराज किस सोच में पड़ गए? हुजूर जिनके संदर्भ में कह रहे हैं ना, वो सचमुच में बहुत ही दयालु हैं। आपसे मिलकर के उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। बाहर से आए हुए सारे युवराजों का आतिथ्य सत्कार स्वागत वो स्वयं किया करते हैं। उनसे मिलने के पश्चात आपके सारे दुख दर्द देखते ही देखते दूर हो जाएंगे। अरे आप तो फिर से सोचे पड़ गए। मैं ये सोच रहा हूं, अगर आप लोग मुझे नहीं मिलते तो फिर मेरा क्या होता? मैं रणवीर सिंह से अवश्य मिलूंगा। यदि आपने उनसे मिलने का निर्णय ले ही लिया है तो समझ लीजिए चंद्रमुखी का वो फूल आपने प्राप्त कर लिया है, जिसकी तलाश में न जाने कितने दिनों से आप इन जंगलों में भटक रहे हैं। अब रात बहुत हो चुकी है, हमें जाकर विश्राम करना चाहिए, क्योंकि कल सवेरे ही हमें रूपनगर के लिए कूच करना है ताकि हमारे अतिथि के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। चलो युवराज, डेरे में जाकर विश्राम किया जाए। क्षमा करना, मुझे खुले आकाश के नीचे सोने की आदत है। आप लोग अंदर विश्राम कीजिए, मैं यहीं विश्राम कर लूंगा। जैसी आपकी इच्छा युवराज। यदि कोई भी कष्ट हो तो हमें निसंकोच आवाज दे देना। लोहा सिंह। हुजूर। हमारे अतिथि का ध्यान रखना। मैं युवराज का पूरा ध्यान रखूंगा। शुभ रात्रि युवराज। शुभ रात्रि। बधाई हो हुजूर, इतनी आसानी से ये युवराज हमारे जंगल में फंस जाएगा ये तो हमने सोचा भी नहीं था। इस युवराज को फांसने के लिए
न तो हमें किसी का रक्त बहाना पड़ा और न ही अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। बिना कुछ किए ही इस पर हमें विजय श्री प्राप्त हो गई। रात बीतते ही हम इस युवराज को पकड़कर भाई रणवीर सिंह के कारागार में डाल देंगे और फिर देखना विजेंद्र प्रताप सिंह के भागने की पीड़ा भूलकर भाई इस नए युवराज को बंधक के रूप में देखकर कितने प्रसन्न होंगे। अब जाकर सो जाओ और सुबह होने की प्रतीक्षा करो। युवराज कहाँ चला गया? कहीं भाग तो नहीं गया? कहाँ गया वो? अरे सैनिकों, सैनिकों! क्या हुआ हुजूर? ये युवराज कहाँ चला गया? अरे तुम लोग पहरा दे रहे थे, जो सो रहे थे। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो आप? तो अरे जाओ ढूंढो से, जाओ। लोहा सिंह, हुजूर, इतनी रात गए क्यों चिल्ला रहे हो? वो युवराज यहाँ पर नहीं है, लगता है कि हमें वो चकमा देकर के भाग गया है। चकमा देकर के भाग गया है? परंतु कैसे? रात्रि के इस अंधकार में तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो वो कहाँ जा सकता है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ हुजूर, कि कहीं उसे कोई जंगल का हिंसक पशु तो उठा करके नहीं ले गया। ये कैसी बातें कर रहे हो लोहा सिंह? इतने सैनिकों के रहने के पश्चात यहाँ पे कोई जंगली पशु कैसे आ सकता है? और वैसे भी यदि उस पे किसी जंगली पशु ने हमला किया होता तो कम से कम उसकी चीखने की आवाज तो हमें अवश्य सुनाई देती। लगता है कि आप सत्य ही कह रहे हैं हुजूर। वैसे भी यहाँ पर आग जल रही है और जहाँ तक मैंने सुना है कि आग के निकट कोई भी जंगली पशु कभी भी नहीं आता।
अवश्य इसमें कोई रहस्य है, अन्यथा इतने सैनिकों के पहरे पर रहने के पश्चात यहां से मनुष्य तो क्या वायु भी बचकर नहीं निकल सकती। सरकार, युवराज का कहीं पता नहीं चला। पता नहीं चला? अरे मूर्खो, डेरे से बाहर निकल कर जंगल की चारों दिशाओं में फैल जाओ और जल्द से जल्द उस युवराज को पकड़कर हमारे पास ले आओ। जाओ। लोहा सिंह, यदि यह युवराज हमारे हाथ से निकल गया तो भाई जी के सामने हमारा मस्तक शर्म से झुक जाएगा। हमने सोचा था कि भाई जी को तीन तीन युवराज की भेंट देंगे, परंतु जो एक युवराज हमारे हाथ लगा था वो भी हमारे जाल से छूटकर भाग गया। वैसे भी वो कहां तक भागेंगे हुजूर? इस मायू जंगल में उस युवराज का बहुत दिनों तक हमसे छुप रह पाना असंभव है। मुझे अपने सैनिकों पर पूर्ण विश्वास है कि वो उस युवराज को पकड़ करके हमारे सामने उपस्थित कर देंगे। हमारे सैनिकों पर से अब हमारा विश्वास उठ गया है लोहा सिंह। एक युवराज इतने सैनिकों के होते यहां से कैसे चला गया? हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें शीघ्र ही उस युवराज की खोज करनी चाहिए। कि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं जंगल में जाकर उस युवराज को खोजता हूँ। यदि मुझे वो युवराज मिल गया तो मैं अपने मुक्के के एक ही प्रहार से उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं लोहा सिंह, हमें उसे इतने जल्दी मृत्यु दंड नहीं देना है। एक बार हमें उसे पकड़कर कारागार में डाल देने दो, फिर हम उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो। वो तो है बाबा की।